आई नो आप एक गेमिंग स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जो कि 20,000 की रेंज में आता हो, तभी तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। सो मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आपको इस वीडियो में आपको टॉप 3 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा जो कि गेमिंग स्मार्टफोन है जो कि 20,000 की रेंज में आते हैं और तगड़े गेमिंग प्रोसेसर के साथ। इसमें आपको एक बढ़िया बैटरी देखने को मिलेगी, एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा भी देखने को मिलेगा और इसके साथ ही डिस्प्ले भी बेहतरीन देखने को मिलेगी। तो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को पूरा देखें, बिना किसी इंट्रो के साथ वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत हम तीसरे नंबर से करें तो तीसरे नंबर पे नाम आता है पोको X3 Pro का। अब हम इसकी कीमत के बारे में हम बात करें तो ये आपको 18,999 रुपए के आसपास मिल जाएगा। अब हम इसके स्पेसिफिकेशन के ऊपर नजर डालें तो उसमें आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। गेमिंग के लिए हम इसके प्रोसेसर के बारे में हम बात करें तो उसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 का तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब हम इसके रियर कैमरे के बारे में हम बात करें तो इसके रियर में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 48 MP प्लस 8 MP का होगा और फ्रंट में आपको 20 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा जिससे आप HD में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी ले पाएंगे। रैम के बारे में बात करें तो इसमें आपको 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। बैटरी बैकअप के तौर पर इसमें आपको 5160 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि लंबे समय तक चलेगी और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। कनेक्टिविटी फीचर के बारे में बात करें तो इसमें आपको वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ और 4G का कनेक्शन देखने को मिलेगा। सेंसर के तौर पर इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, लैड सेंसर, फेस सेंसर जैसे सेंसर देखने को मिलेंगे। सेकंड नंबर पे मैं गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में बात करूं तो सेकंड नंबर पे नाम आता है Xiaomi Redmi Note 11T 5G का। ये स्मार्टफोन 7 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत के बारे में हम बात करें तो ये आपको 16,999 रुपए में मिल जाएगा। अब हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको 6.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 से पूरी तरह प्रोटेक्टेड होगा और इसमें आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। गेमिंग के लिए इसके प्रोसेसर के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 810 का बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिलेगा जिससे आप फ्री फायर और पबजी बहुत ही स्मूथली खेल पाएंगे हाई ग्राफिक पर। रैम के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। फोटोग्राफिंग के लिए इसके रियर कैमरे के बारे में हम बात करें तो इसके रियर में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 50 MP का इसका प्राइमरी सेंसर होगा और 8 MP का इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा जो कि LED फ्लैश लाइट के साथ आता है जिसमें आप 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और फ्रंट में आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा जिससे आप HD में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी ले पाएंगे। बैटरी बैकअप के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 33 W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड V11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। कनेक्टिविटी फीचर के बारे में बात करें तो इसमें आपको वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ, 4G और 5G का कनेक्शन देखने को मिलेगा। सेंसर के तौर पर इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, लैड सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे सेंसर देखने को मिलेंगे। अब बारी है फर्स्ट नंबर के, तो फर्स्ट नंबर पे नाम आता है IQ G3 5G का। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि IQ का मेन मोटिव गेमिंग स्मार्टफोन बनाना होता है। सो अब हम इसके लॉन्चिंग डेट के बारे में हम बात करें तो ये स्मार्टफोन 8 जून 2021 को लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत के बारे में हम बात करें तो ये आपको 19,990 रुपए में मिल जाएगा। अब हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको 6.58 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। गेमिंग के लिए इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G का बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिलेगा जिससे आप हाई ग्राफिक में कोई भी गेम खेल पाएंगे। अब हम इसकी रैम के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। फोटोग्राफिंग के लिए इसके रियर कैमरे के बारे में बात करें तो इसके रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 64 MP का इसका प्राइमरी सेंसर होगा। अदर सेंसर के तौर पर इसमें आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 MP का मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा जो कि LED फ्लैश लाइट के साथ आता है जिससे आप 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और फ्रंट में आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। बैटरी बैकअप के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको 4400 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 55 W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड V11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। कनेक्टिविटी फीचर के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ, 4G और 5G का कनेक्शन देखने को मिलेगा। सेंसर के तौर पर इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, लैड सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे सेंसर देखने को मिलेंगे। ये थे पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन। आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा है कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप किसी और कैटेगरी या किसी और बजट का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं सभी पर मैंने वीडियो बनाई हुई है,
उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।